मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा जो इंजीनियरिंग राजा गांधी और उनके परिवार को, साथ में उनके साथ जो क्रांतिकारी क्लब है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और स्पॉन्सर जो इंजीनियरिंग राजा गांधी और उनका परिवार को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे इसमें स्पेशल इन्वाइटी बुला के हमारे ईस्ट कामिंग के जनता को कम से कम एक दो मैसेज देने के लिए मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साल में मैं अरुणाचल आयुक्त को मैं ये देना चाहता हूँ धन्यवाद। इसका विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि माने ये हमारा हिस्टोरिक होगा। हाँ जरूर, ये हमारे पापू नदी में हमारा लेट डेरा नटों जो फॉर्मर मिनिस्टर ने डाला है, और आज भी पापू वैली के जनताओं ने पासियों ने वो मौका फायदा उठाया है। उसी तरह की ये हम राजा गांधी और उनका जो क्रांतिकारी टीम को फैमिली को यही धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आज तक इस कमिंग में इसी तरह की कोई माने इंस्पायरेशन आला इसी तरह की प्रेरणा कोई किसी ने नहीं दिया है। जो आज राजा गांधी और क्रांतिकारी टीम ने जो किया है ये यंग जनरेशन नए पीढ़ियों के लिए बना रहा है कर रहा है, इसलिए मैं तन मन दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हमारे इस कमिंग के वर्षों की ओर से भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिशिंग के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पुरखों जो पुराने जमाने में कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द फिशिंग करता था, जैसे हमारा जाल से करता था, हमारे लोकल में ही मैं बता दूंगा जाल लंगपम होगा नोगा शोभो हका मिंगल हो लय वो डोपा खजा अगबो रहना है हेमो खजासी एपल मटा गदो खजासी अगबो रहना है माने ब्लास्टिंग सिस्टम फोंको मलिंग ब्लास्टिंग हजर हजर शीत ना लो हमें फ्यूचर हमें ये पे मलंग कम होगा नोगा जनरेटर पे मंग देना आयू होगा ब्लीचिंग पाउडर लग देना आयू एने इंग्लिश या पेस्टिसाइड बिन जाजर सो होगा लोकल बिन जाजर पे मलंग देना आयू वो नो नंग तो माना ना नियम यमो समो वो हम कदार दम दिन कम नो दोबा तक मिंटर नो उतर कबा ना फ्यूचर है माना नीचर के पे फायरा वो जो हो लगा वो मोबिंग देना ऐसा पता हूँ नी मानी कदाम है हम ने सुबह पर तलो कदाम मोबिंग आशा पर तलो ना जी दिन तलो दो तक ये माना भी कदाम वो कुंक ना डेली मार्केट आशी पटा पहुँच पे डेली मार्केट नीचर पे डेली मार्केट हम स्पेशली वो यूडम अब वो आप पास हो जिम्मे का दिव तू ब्लास्टिंग मंग बर मंग भी मो जनरेटर मंग मंग मोंडो स्पेशली यूड का दे नंपम नंपम इसलिए वो है ना एक तरफ में तो वो जो खबर नो नो कौन दूँ ना सोसाइटी सोसाइटी है ब्लास्टिंग हम बैन राडा दूँ ना शम वो लोटे लोडू ले दूँ अरे हो लगा वो एक्सपेक्ट डाल देना हर नवा जो है अटो वो इसी आप में बैन राडा तो ब्लास्टिंग का क्योंकि किसी ने है कि मैंने अपना लाइफ का भी डेंजर में वो ला देता है कब जान आपका बीवी होगा बच्चा होगा भैया होगा दादा होगा ब्लास्टिंग में कितने लोग मर रहे हैं जनरेटर करके कितने लोग अपना जान गंवा रहा है ये भी सोचना चाहिए था। और पूरे की पूरा लाख लाख हजार हजार मछलियों को बर्बाद कर दे रहे हैं जानवर को बर्बाद कर रहा है तो आगे भी बढ़ने देना है उन्हें इकोसिस्टम तो हम एक दूसरे का डिपेंड करके चेन फूड चेन अगर उसको मेंटेन नहीं करेगा हम हमेशा बुरे बुरा हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ लेकिन हमारा यहाँ पेड़ को उजर है पशुपालन करो पशुपालन जो भी पालन करो बोल रहे तो दिन भाई डे डे में मैंने हमारे यहाँ के लोग जो है बर्बाद कर रहा है फ्यूचर के लिए आने वाला जिंदगी पीढ़ी के लिए कोई नहीं सोचता है हम सिर्फ खाएगा पिएगा और क्या करेगा यही एक बिजनेस का कारण से इस कमिंग का ये जितने भी है बर्बाद हो रहा है इकोसिस्टम जो है चाहे हमारा एक्वाटिक जो नदी के जितने भी जी भी चीज है उसको एक्वाटिक ये कहते हैं और जानवर लोग है सब पशु पक्षी जो भी हो इसको हम हमेशा फ्यूचर के लिए भी सोच के ले जाना चाहिए पेड़ पौधे को मैं ये सोचता हूँ। इसलिए इस कमिंग का लोगों से मेरा बेनती है कि आयो युकमो आलो युकमो समझेंगे कोई नाक है हो सकता है कि आशीन सर का बिंग नाम ने बिंदे पारे माने ना हाँ जैसे हिंदी में एक मैं बता दूंगा मानो तो मैं गंगा माई हूँ मैंने बिहारी में बोल रहा माई बिहारी का मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो मैं बैठा पान उसी तरह के आशीन सर का अगर बाढ़ को आप एक्शन लेता है तो लीजिए नहीं लेता है तो आशीन सर आल्टू फालतू सोच लो नहीं होने से वो जमने खींचा स्पेशली यूथ का दिन हो तारू पिक्चर तक का फ्यूचर हम लंगा टिजू के
टूचर हम नंग डलो गोलू इसी तरह की ये लोग को भी भर लाइक देखो नी ये तारा तारा है स्पेशली हमारा इस कमी निशी तारू मोम निशी का दिन होते लीले पाल ने सो नी तंग कबू हम ने दो तर तंग कर रियो ने वो फ्यूचर करो ने भी मलंग तुझ ये तारा तारा लोड देखो लाइक आसो वेस कमी तो उन को तो मैं यूनी मैं नी का स्पेशली पप्पू गड्डी का पप्पू पुई सोशो का दिया तो तेली बेन बना कि सो दी महीना सो सो तीन महीना सो सो नी मिनिमम मोदन अगबो माने ना पपू पुई दी मोलू सी या तारा तारा कमो ओ नो बिन सुना में असिन सारे सी बुंगा नी मालिक है अब पे ताबो नम तातर ना असिन सारे नोटम सिटम सिरा का मालिक है ना मैं पे ताबो टाटा ना असिन सारे होगा पतंग कबूंगा मालिक है अबो है ना सो नी कह को ना अबो बिन तार ना अदो टाटा मो मलांडी मलांडी लो फिल देना ngoi कोई देना के कि वो मलंग यो यू फ्यूचर वो चलो रे संचा बो मलंगचा संगी बो मलंग तो नो मलंग दे लो माने फ्यूचर आने वाला पे नो काओ करो ने दो करो ने गुनु ने को चीपा सो पा भी बने मैं वो दो दूं बने जाले वर्त लो नो मा मरते लोग तक मैं वो असब नंग तलो दो तक लंगपम तलो दो तक अब मो मो ब्लास्टिंग जो जा जनरेटर जो जा नोगा डीडीटी आलो को ब्लीचिंग पाउडर मलक मंकना लाख लाख हजार हजार नीगम बर्बाद मारूंगे है ना वो बार बार इसका मिंगा सो ये मो मलांड ना के माने ना मलंगी जान तक जुका अलोम पे नो आयो पे कार्थलो मलंगी तो दोने तंगले बाने आलो वो दोषी तंगसी तन सबसे बड़ा बार वो ही है ये 30 June 2024 में आज हम लोग ये कमिंग नदी और ये पचान नदी का कन्फ्लुएंस में आया है। हम लोग करान डांडी क्लब में जनरल सेक्रेटरी करान डांडी क्लब का और मेरा मेंबर लोग आज आया है कुछ एक छोटा सा एक प्रोग्राम लेके। आपको मैं प्लस बैग में ले जाना चाहता हूँ कि इन द ईयर ऑफ 2021 अगर आप सबको याद होता होगा तो हमारा ये कमिंग नदी में एक फ्लड आया था जहाँ पे काफी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हुआ था, आप सबको याद होता होगा। तो वो इंसिडेंट को लेके हम लोग काफी चिंतित था, हम लोग काफी ट्राई किया है लेकिन नहीं हो पाया कुछ प्रॉब्लम का चलते। तो आज ये हम लोग वो प्रॉब्लम को लेके हम लोग सोचा है कि काफी यहाँ पे ब्लास्टिंग भी करता है और आपका केमिकल यूज करता है, इलेक्ट्रोक्यूशन यूज करता है, काफी मात्रा में फिशिंग करता है लेकिन उसको रिप्लेनिश करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता है। तो हम लोग आज सोचा है कि आज ऐसा हम लोग एक छोटा सा इनिशिएटिव करेगा बोल के। तो इसीलिए आज हम लोग मोर देन 10,000 नंबर्स ऑफ फिंगरलिंग्स मछली का बच्चा हम लोग आज डाला है, यहाँ रिलीज किया है। तो आप जैसे कि बैनर में देख सकता है चार स्पीसीज हम लोग डाला है। तो आपको मैं बता दूं कि ये चार स्पीसीज जो है यहाँ का जो लोकल इकोसिस्टम को, यहाँ का जो इंडिजिनियस मछली का स्पीसीज को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। दे आर प्योरली व्हाट कॉल हर्बिवोरस ना, ये लोग एल्गे वगैरह यहाँ का घास वगैरह को खा के जीता है, यहाँ का इंडिजिनियस मछली को कोई हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। इनफेक्ट ये लोग हाई मात्रा में प्रोडक्शन होकर यहाँ का जो लोकल आदमी लोग के लिए काफी यूज भी रहेगा। तो ये हमारा छोटा सा एक कदम है कि यहाँ का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को थोड़ा हम लोग कंजर्व करने के लिए हमारा करान डांडी क्लब का एक छोटा सा एक हमारा कदम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा करान डांडी क्लब जो है इन द ईयर ऑफ 2009 में हम लोग फॉर्म किया था। आप लोग भी काफी देखा होगा, हम लोग काफी सोशल एक्टिविटीज में हम लोग काफी पार्टिसिपेट किया है और ऐसे ही मौका अगर मिले तो हम लोग कल को भी करते रहेंगे और आज भी हम लोग यहाँ आया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा ये करान डांडी क्लब का हमारा मेंबर इंजीनियर राजा ग्यादी का आज बेटी का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे को और हमारा क्लब दोनों जो ये आइडिया इंट्रोड्यूस करके ये कोलाबरेट करके हम लोग ये एक सुंदर सा एक इनोवेटिव आइडिया, ताकि यहाँ का हमारा इस कमिंग का जनता उसे थोड़ा प्रेरित होगा बोल के छोटा सा हम लोग एक प्रोग्राम रखा है। तो इसी के साथ मैं अपना बेटी हमारा जेम ज्ञानी को मैं वी ऑल विश ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मैं ऑन बिहाफ ऑफ करान डांडी क्लब फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ राजा ज्ञानी का फैमिली तरफ से सब जितना भी हमारा एनजीओ से, सीडीओ से, आपके स्टूडेंट यूनियन से, कॉलोनी लीडर से, आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से और जितना भी एनजीओ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सबसे मैं अनुरोध करता हूँ और इवन यहाँ का पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि इसी तरह का कुछ आपका ये इकोसिस्टम को कंजर्व करने का कुछ इनिशिएटिव जो है आप सब भी करें। हमारा ये आज जो फिंगरलिंग्स चोरने का जो इनिशिएटिव है
जरूरी नहीं है कि यही करना है बोल के, हो सकता है आपका ट्री प्लांटेशन हो सकता है, कोई भी तरीका का आपका इकोसिस्टम को कंजर्व करने से। हमारा ये छोटा सा कदम जो है हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए मतलब काफी लाभदायक होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आप सबसे दोबारा विनती करता हूँ कि आप सब ये इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ अपने तरफ से कुछ इनोवेटिव काम करने से, ठीक है।